हम सामने आ गए, उन्होंने लातों से और ये साल पकड़ के फेंक दी हमारी, और पुलिस के ऊपर खून लगाए हमने कि पुलिस हमारी कार्रवाई करो। पुलिस आई रात में, पुलिस को बोला हमने सारा पी के हमारे साथ ऐसे ऐसे हरकतें करी, पुलिस ने अंदर जाके भी नहीं देखा। सालमगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला धनबंदी शिविर का हुआ आयोजन, महिलाओं ने डॉक्टर व मेल नर्स पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर ग्रामीण व परिजनों तथा महिलाओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सालमगढ़ पर गत रात्रि को महिला मरीज एवं महिला परिजन अस्पताल परिसर के अंदर सोए हुए थे। उनके परिजनों से रात करीब 1:30 बजे वहां पर कार्यरत डॉक्टर व मेल नर्स ने महिला मरीज व उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और गाली गलौज के साथ उनके बिस्तर फेंक दिए, जिस पर महिलाओं ने विरोध किया तो डॉक्टर ने नसबंदी के दौरान मिलने वाले सरकारी पेमेंट तक रोकने की बात कह दी। जी सर, मेरा नाम है संगीता मीणा, बड़वास की रहने वाली हूँ, और हम यहाँ डिलीवरी वालों को और ऑपरेशन वालों को लेकर आए थे। डॉक्टर ने रात में दारू शराब पी के मतलब गाली गलौज करी और हाथों से ठुकराया भी, और हमारे को बाहर भी निकाल दिया और बोला कि डिलीवरी वालों को मैं साइन करके जब तक नहीं दूंगा, जब तक कोई पैसे नहीं आएगा, और जो ऑपरेशन करवाया उनको मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी। और फिर बोला कि मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वो भाग गया और पुलिस के ऊपर फोन लगाया हमने कि पुलिस हमारी कार्रवाई करो। पुलिस आई रात में, तो पुलिस को बोला हमने सर रखी कि हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करी, पुलिस ने अंदर जाके भी नहीं देखा और पुलिस वाले अपने आप समझ गए। हाँ, पुलिस वाले आए थे तो पुलिस वाले ने ये बोला कि कौन था उसको पकड़ के हमको दे दे, हम पकड़ सकते, फिर पुलिस वाले को यहाँ पे क्यों बुलाते। फिर पुलिस वाले ये बोल के चले गए, सुबह कार्रवाई करते, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उठी जाओ यहाँ थी, बाहर निकलो, सोरान होरान लाई नाई जाओ तुम्हारे इम कहियो ते फसे मोने बोली एक ली थी मेरा सब मने का बच्चा लेके ऐसे दूज रही, वो बच्चा लेके निकाल दी सड़क के ऊपर, बाहर निकाल दी 2 महीने का बच्चा, और उसके साथ कुछ घटना घट जाती उसका जिम्मेदार कौन था। ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीण सुबह अस्पताल में एकत्रित हो गए, जहां पर डॉक्टर मेल नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए महिला मरीजों ने व परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर सालमगढ़ पुलिस पहुंची व समझाइश करते हुए मामले को शांत करवाया। इधर महिला परिजनों ने थाने में उचित कार्रवाई की मांग की है। हाल फिलहाल विभागीय कार्यवाही करते हुए डॉक्टर व मेल नर्स को अस्पताल से कार्यमुक्त किया गया। रात में मुझे लगभग 1:30 बजे के आसपास कॉल आया और यहाँ जो घटना हो रही थी उसके बारे में मैंने पूरा वो पता किया कि क्या घटना हुई क्या नहीं, फिर लोगों से बात की, मैंने लोगों को शांत किया। उसके बाद मैंने उच्च अधिकारी द्वारा बात की, उच्च अधिकारी ने जो निर्देश दिए उसके आधार पर मैंने यहाँ के अपने चिकित्सा अधिकारी थे और एक नर्सिंग ऑफिसर थे उन दोनों को रिलीव किया यहाँ से, और अभी आगे के लिए हमने उनको पेंडिंग रखा है आगे की जवाब। मैं सालमगढ़ थाने से शिवला लहे से बोल रहा हूँ। कल नसबंदी का ऑपरेशन का कैंप था सालमगढ़ PSC में, तो औरतों के ऑपरेशन भी हुए और वो एडमिट थी। ये पेशेंट को देखने जा रहे थे, उनके साथ में एक आदमी के अलावा 3-3, 4-4 औरतें वहाँ रास्ते में सोई हुई थी, जिनको डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप एक आदमी के साथ में एक आदमी औरत रहो, बाकी आप बाहर कहीं साइड में जाके सो जाओ। इस बात को लेकर रात को औरतों ने कुछ बात चिल्लाई तो हमारे थाने से आदमी गए थे रात्रि गश्त करने वाले, उनको समझाई। सुबह वापस ये लोग इकट्ठे हुए, जिसमें संगीता पत्नी प्रेमचंद मीणा निवासी परवास कला ने डॉक्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट दी है, उसमें जांच जारी है, जैसी कार्रवाई होगी करेंगे।